एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। देश के अंदर सरकारी कर्मचारियों का खनन पूर्ति करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जिला सीतापुर के विकासखंड बैठा की ग्राम पंचायत मुगलपुर में। एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है। आजकल के मौसम में विद्यालय खुलने का समय सुबह 8 बजे है, लेकिन इस गांव का विद्यालय सुबह 9:30 बजे के बाद 10 बजे तक खुलता है। वहां से गुजर रहे हैं हमारे रिपोर्टर एन के विश्वकर्मा की नज़र इस विद्यालय पर पड़ी तो देखा कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बाहर फील्ड में खेल रहे हैं और विद्यालय में ताला पड़ा हुआ है। दीवार के सहारे बच्चों के बैग रखे हुए हैं। जब पास जाकर बच्चों से पता किया तो पता चला कि यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं, जो कि लगभग 3 से 4 स्टाफ मौजूद है, सारे अध्यापक 10 बजे तक आते हैं और जल्दी ही छुट्टी कर देते हैं, अपने अपने घर को चले जाते हैं। दिखाई गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के बैग बाहर रखे हुए हैं और बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब देश के भविष्य छात्रों को बनाने वाले इस तरह से लापरवाही करेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। 40,000 वेतन पाने वाले अध्यापक अपने समय से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, परंतु अगर शिक्षा मित्रों की तरह थोड़ा सा भी इनके वेतन में कटौती हो जाए तो धरने पर बैठने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। सीतापुर से एनके विश्वकर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न